ये वीडियो पूरी देखो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम यंगस्टर्स में ना एक चीज़ बड़ी कॉमन पाई जाती है कि जब हमें लगता है ना कि अल्लाह ताला के साथ हमारा कनेक्शन बहुत बिल्ड हो रहा है या हमारा ईमान का लेवल बहुत इंक्रीज हो गया है, सो हम कहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला की इबादत करें। और जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल एक दिन में एक तस्बीह कर रहे थे, ठीक है, 5 नमाज़ें पढ़ रहे थे कंसिस्टेंसी से, अब हम कह रहे हैं कि हम 7 नवाफिल भी अदा करें, हम क्या कहते हैं नफली जो रोज़े होते हैं वो भी रखें, वो साथ तहज्जुद भी पढ़ें, तस्बीहें स्टार्ट कर दें, तब हम इनफ फील करेंगे। अब इस चक्कर में क्या होता है कि अल्लाह ताला ने कहा है ना कि जब मेरा बंदा शुक्र करता है मैं उसे और अता करता हूँ, लेकिन हम जो बिहेवियर शो कर रहे होते हैं उसमें ये होता है कि हम जो कंसिस्टेंसी से काम कर रहे थे और वैसी कंसिस्टेंसी जो कि अल्लाह ताला को पसंद है कि आप एक अगर काम कर रहे होते हो छोटा सा भी लेकिन लगातार करें और खुश दिली से करें, सो अल्लाह ताला को वो अमल बहुत पसंद है, राइट। अब उस चक्कर में एट द एंड आप एग्जॉस्टेड फील करके दिन में मे भी आपका काम हो रहा है, आपसे वो नफल मैनेज नहीं हो रहे, आपसे तस्बीहां इतनी मैनेज नहीं हो रही, तो अगर आप 5 नमाजों से और एक तस्बीह से भी हाथ धो बैठते हैं, सो व्हाट डू यू थिंक, इज़ इट गुड फॉर यू? बेहतर मैं आपको एडवाइस जस्ट ये देना चाहती हूँ कि आप जो काम पहले कर रहे हैं ना, जितनी इबादत आपसे हो रही है पॉसिबली, उसमें कंसिस्टेंसी लेके आए, ठीक है, उसमें शुक्र करें कि अल्लाह शुक्र है कि मैं इस काबिल हूँ, मैं इतना कर पा रहा हूँ। उसके बाद अल्लाह खैर करे जैसे जैसे आपको टाइम मिलता जाए आप उसमें और चीज़ें ऐड करें, ठीक है। अचानक ही इतनी जल्दबाजी में इतनी चीज़ें स्टार्ट कर देना कि आप पहले से भी हाथ धो बैठे, इट्स नॉट अ गुड थिंग।